हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एन एसे की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसे, टाइप्स ऑफ एन एसे, पार्ट्स ऑफ एन एसे एंड हाउ टू राइट अ क्वालिटी एसे, इस पर आज हम बात करेंगे। आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द वर्ड एसे इज डिफाइंड इन द कंसाइज ऑक्सफर्ड डिक्शनरी एज अ लिटरेरी कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। बहुत मुख्तसर सी डेफिनेशन है, लिख देंगे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अ लिटरेरी कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट अक्सर जाहिर है प्रोज में होती है, नसर में होती है, और एकेडमिक एसे जो है वो शॉर्ट भी होता है, बस 5 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होता है बिलमूम। तो ये इसकी डेफिनेशन है, अ लिटरेरी कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी मौजू पर एक अदबी नसर पारा, इंशाइया, उसे हम कहते हैं ऐसे। ये ऐसे की डेफिनेशन थी। कंपोजिशन में है, एक्सप्रेशन देता है आपकी पर्सनल थॉट्स को, कि आप छोटा ऐसे हो सकता है, मिसाल के तौर पे माय कॉलेज पर ऐसे हो सकता है, माय हाउस पर ऐसे आपने पढ़ रखे हैं, आपने माय लाइब्रेरी पर पढ़ रखे हैं ऐसे। ये आपकी पर्सनल ओपिनियन होती है। मुकम्मल तौर पर आज हम ऐसे के बारे में जान लेंगे, ख़ास तौर पे एकेडमिक ऐसेज़ के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स पर अगर आएँ तो एक ऐसे में यूनिटी होनी चाहिए, ऑर्डर, ब्रेविटी, ब्रेविटी मीन्स शॉर्टनेस, स्टाइल और पर्सनल टच होना चाहिए। ये हैं क्या, एक एक लाइन में हम इन्हें देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक अच्छे ऐसे की क्या होनी चाहिए। एन ऐसे मस्ट बी आ यूनिटी, एक यूनिट होल होना चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए। को एजुकेशन पर अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो सिर्फ को एजुकेशन ही की बात होनी चाहिए, कॉलेज पर लिख रहे हैं तो कॉलेज ही की बात होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं कि एक यूनिट है। ट्रीटिंग इन एन ऑर्डरली मैनर, ऑर्डर होने चाहिए, तरतीब से बात करें ना आप, बेतरतीब बातें नहीं होनी चाहिए, एक हमड्रम नहीं होना चाहिए, एक हौच पौच नहीं लगना चाहिए, बल्कि 1 2 3 4 5 इस तरह ऑर्डर होना चाहिए। वो ऑर्डर हम मजीद देखते हैं पार्ट्स ऑफ एसे में, एसे के हिस्से में मजीद इसको देखेंगे। तो दूसरी क्वालिटी ऑर्डर है। तीसरी है ब्रेविटी होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इट शुड बी कंसाइजली रिटन एंड नॉट टू लॉन्ग, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए ऐसे, बल्कि दरमियाना होना चाहिए, जितनी टॉपिक की ज़रूरत है उतना होना चाहिए। स्टाइल एंड द स्टाइल शुड बी सिंपल, डायरेक्ट एंड क्लियर, तीन चीज़ें, सिंपल हो, पढ़ने वाले को आसानी हो ऐसे, और डायरेक्ट स्टाइल हो, बातें बहुत पेचीदा, ढकी छुपी, उस तरह जैसे शायरी में की जाती हैं, नॉवल में की जाती हैं, इनर मीनिंग्स होते हैं उसके, इंटरनल मीनिंग्स होते हैं, डीपर मीनिंग्स होते हैं, सरफेस मीनिंग के अलावा एलेगोरिकल मीनिंग होते हैं, वो एलेगोरिकल मीनिंग भी नहीं होने चाहिए ऐसे, डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट लैंग्वेज में क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरी बात जो समझ आए आम आदमी के वो होनी चाहिए, ये स्टाइल होना चाहिए। और अब हम आ गए इसमें, थोड़ा सा पर्सनल टच भी आना चाहिए, इसमें इंडिविजुअलिटी आनी चाहिए, पर्सनल टच ऑफ द राइटर हो कि मेरी ओपिनियन क्या है को एजुकेशन के बारे में, मैं अपने कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं अपने शहर के बारे में, अपने कस्बे गांव के बारे में क्या सोचता हूँ, ये पर्सनल टच भी आना चाहिए। अगर आप माई विलेज पर लिख रहे हैं तो आपका अपना जाविया नज़र भी उसमें झलकना चाहिए। तो ये थी जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसे। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसे राइटिंग में नैरेटिव एसेज होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, रिफ्लेक्टिव और इमेजिनेटिव एसे। ख़ास तौर पर हम इन्हें इन 5 में तकसीम कर सकते हैं, आइए इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। नैरेटिव राइटिंग जो है उसमें जाहिर है सबसे अहम हिस्सा नैरेटिव का स्टोरी है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस की कोई स्टोरी, एन एक्सीडेंट है, आपने देखा है कोई एक्सीडेंट, उसकी स्टोरी आप बताएंगे, वो नैरेटिव एसे होगा। डिस्क्रिप्टिव एसे में जो इसका मेजर फीचर है वो है पेंट्स अ पिक्चर, कि आप किसी पर्सन के बारे में खाका लिख रहे हैं कि वो शख्स ऐसे थे, कायदे आज़म आपने देखे हैं तो वो कैसे थे, खाके आपको मिल जाएंगे, जिन लोगों ने देखे थे वो बताएंगे कि उनका कद इतना था, आंखें ऐसी थी, ना कैसा था। अब ये क्या कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं आप। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का अहम फीचर जो है वो क्या है, पेंट करना, वो वर्ड इमेजेस बनाना, लफ्ज़ों के ज़रिए
तश्कील देना किसी को, खाका बनाना। किसी जगह आप गए हैं, सफरनामे आप लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें क्या है, किसी जगह की नक्शा कशी की गई होती है, सवात वैली की, मैं वहाँ पहले गया, वहाँ ऐसे दरिया बह रहा था, वहाँ ये नखलिस्तान था, वहाँ इतने फूल थे, वहाँ ऐसा कुछ मंजर था, प्लेस की, किसी चीज़ की नक्शा बताएंगे, कोई चीज़ है जो आपने देखी है उसकी नक्शा कशी करेंगे, यानी वर्ड पिक्चर्स बनाएंगे, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। एक्सपोजिटरी राइटिंग थोड़ी सी आगे की राइटिंग है, यानी जब हम स्कूल एज से आगे निकलते हैं तो फिर हम ये लिख सकते हैं, जिसमें आप फैक्ट्स का इस्तेमाल करें, स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल करें, आदाद व शुमार बताएं मुकम्मल तौर पे, दलाइल से बात करें, और आपके पास स्टेटिस्टिक्स हों, फैक्ट्स हों आपके पास, या दूसरी बात एक्सपोजिटरी की हाउ टू, यानी प्रोसीजर हो, मतलब हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, इस पर ऐसे लिखें, हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, इस तरह इस पे कुछ ऐसे लिखेंगे, वो आपका एक्सपोजिटरी ऐसे कहलाएगा। बात करते हैं रिफ्लेक्टिव ऐसे की, लफ्सी मतलब है सोच विचार करना, इसमें आप क्या करते हैं, हैबिट्स की बात करेंगे, क्वालिटीज़ की किसी की, सोशल पॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक टॉपिक्स लेंगे, कश्मीर इशू ले लेंगे या डेमोक्रेसी ले लेंगे, ये रिफ्लेक्टिव ऐसे हैं, इस पर आप पॉन्डर ओवर करते हैं, सोचते हैं, फिलोसॉफिकल एसेज हैं, फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स हैं, उस पर बात करें, नीचे की फिलोसफी पर, इकबाल की फिलोसफी, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुदी पर बात करें, तो वो रिफ्लेक्टिव ऐसे होगा। रिलीजियस एंड थियोलॉजिकल टॉपिक्स ले लें, इस्लाम पर बात करें या कंपैरिजन ऑफ रिलीजन्स पर बात करें, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव एसेज में। लास्ट हमारी काइंड इमेजिनेटिव है, जैसा कि नाम से जाहिर है, इमेजिनेटिव फीलिंग्स आ जाएंगी इसमें, आपके एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, मुख्तलिफ सहराओं में आप क्या सोचते हैं, चांद के बारे में क्या सोचते हैं, इमेजिनेटिव राइटिंग है। स्कूल्स में बच्चों से भी ये लिखवाए जाते हैं, जैसा कि इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं बादशाह होता, इमेजिनेटिव ऐसे है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ हॉर्स, किसी घोड़े की रुदाद आप लिखें, ये सारे इमेजिनेटिव ऐसेज हैं। तो ये दोस्तों हमने 5 काइंड ऐसे की देख लें, होपफुली क्लियर हैं आपके सामने। आइए इसके ओवरव्यू पर चलते हैं। ओवरव्यू ऐसे राइटिंग में, यानी इसके पार्ट्स हम देखेंगे। ये देख रहे हैं आप इंट्रोडक्शन, जनरल स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। जो भी को एजुकेशन पे अगर लिख रहे हैं तो उसका सारा इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, ये सारा उसका इंट्रोडक्शन, कहते किसे हैं, को एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, ये सारा आप इंट्रोड्यूस करवा देंगे। सबसे ऊपर टॉप पर हेड है ये आपके ऐसे का। उसके बाद आपका दूसरा हिस्सा जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो आएगा, और तीसरा हिस्सा आपका कंक्लूजन का है। दूसरा हिस्सा बॉडी पैराग्राफ्स में पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 आ सकते हैं। कंक्लूजन आखिरी पैरा आपका होगा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि एकेडमिक एसेज बिलामूम 5 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होते हैं। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। ये सबसे अहम हिस्सा है आज के सेशन का। हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एसे में देखेंगे हम, एवरी एसे एज अ बिगिनिंग, आ मिडिल एंड एंड। बिगिनिंग इंट्रोडक्शन है, मिडिल में उसके बॉडी पैराग्राफ्स हैं, और एंड में कंक्लूजन है उसका। देखें, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये 3 हिस्से हैं एक एसे के। हाँ, जो बीच वाला हिस्सा है बॉडी, उसमें आपने 3 पैराग्राफ्स ले लिए, तो ये टोटल मिला के आपके 5 पैराग्राफ्स हो जाते हैं। आइए जनाब इसे तफसील से हम देख रहे हैं। यहाँ पर द इंट्रोडक्शन यूजुअली हैज़ 3 पार्ट्स। ओके जनाब, यानी जो इंट्रोडक्शन है आपका, जो पहला पैरा है, उसमें अक्सर 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम हुक कहते हैं, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ऐसे के हवाले से गौर करते जाएं, समझते जाएं एक बार। द हुक और ड्रामेटिक ओपनर है। अगर हुक आ जाए या ड्रामेटिक ओपनर क्या होता है, तो आप कहेंगे ये ऐसे के पहले पार्ट का पहला हिस्सा है, यानी ऐसे का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का जो पहला सेंटेंस होता है उसे हम हुक कहते हैं या ड्रामेटिक ओपनर कहते हैं। इसमें 1, 2 या 3 सेंटेंसेस शुरू के हो सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन का दूसरा हिस्सा दी ट्रांजिशनल सेंटेंसेस हैं, जो कि हुक को आपकी थीसिस स्टेटमेंट्स यानी तीसरे हिस्से से इंट्रोडक्शन के जोड़ते हैं। थीसिस स्टेटमेंट इज 1 or 2 sentences दैट स्टेट्स द आइडिया ऑफ द एसे। एसे का मेन आइडिया, उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। आपके एकेडमिक एसेज में बिलअमूम ये जो 2 हिस्से हैं कभी कभार नहीं होते, बल्कि बिलअमूम नहीं होते। हमारा जो एकेडमिक एसे है वो शुरू हो रहा होता है थीसिस स्टेटमेंट से, यानी मेन आइडिया से। जो एसे का मेन आइडिया है वो हम पहले सेंटेंस में लिख देते हैं, उस मेन आइडिया को हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं।
द प्रेजेंट एसे इज अबाउट को एजुकेशन, हम ये लिख देते हैं शुरू में, यानी अपना थीसिस, अपनी मेन स्टेटमेंट, यानी उसका जो खुलासा है पूरे एसे का, वो हमने दे दिया शुरू में कि हम किस मुतालिक बात करने जा रहे हैं। लेकिन अच्छे एसेज वो हैं जिसमें आप हुक रखें, ऐसा ड्रामेटिक ओपनर के जिससे पढ़ने वाले का इंटरेस्ट जो है वो बढ़े, फिर एक दो सेंटेंसेस में उसे फैलाएं ट्रांजिशनल सेंटेंस में, और फिर उस एसे का जो मेन थीसिस है, जो थीसिस स्टेटमेंट है, जो मेन स्टेटमेंट है उसकी, उसको इंट्रोडक्शन के आखिरी हिस्से में यानी आखिरी लाइन में डाल दें। तो ये इंट्रोडक्शन के तीन हिस्से आपके सामने आ गए। उसके बाद जनाब हुक्स और ड्रामेटिक ओपनर्स के बारे में थोड़ी सी बात है कि ग्रैब योर रीडर्स अटेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ के शुरू में, उसकी अटेंशन को ग्रैब करना है, कैच करना है आपने, उसको अपनी तरफ लाना है, अट्रैक्ट करना है रीडर को, तो ये परफेक्ट होना चाहिए। ट्रांजिशनल सेंटेंसेस में, एसेज में, मुख्तलिफ लिटरेरी कंपोजिशन में मुख्तलिफ मतलब टेक्टिक्स यूज़ होते रहते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं उसको, यानी जो आपने हुक रखा है उसको एक दो सेंटेंसेस में थोड़ा सा एक्सपेंड करके बयान कर दें, और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर में मदद देगा आपको कहाँ तक पहुँचने में, आपकी थीसिस स्टेटमेंट तक। वेरी बेसिक थीसिस स्टेटमेंट इज़ वन और टू सेंटेंसेज एट द एंड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, जैसे हमने ऊपर बात कर ली, एट द एंड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ यानी इंट्रोडक्शन पार्ट का आखिरी हिस्सा जो है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। इट शुड क्लियरली एक्सप्रेस व्हाट द एसे इज अबाउट, एसे किस मुतालिक होने जा रहा है, साफ सुथरा बता दें, डिस्कसेबल पॉइंट हो, ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि यहीं ऐसे ख़त्म हो गया, नहीं बल्कि ऐसा लगे आगे बढ़ेगा ऐसे, और स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे भी वाजे हो जाए कि हमारा ऐसे भी बहुत लंबा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। आइए जनाब आगे चलते हैं आपके टॉपिक सेंटेंस की जानिब, कि हर पैराग्राफ जो बॉडी का है आपकी, यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं बॉडी ऑफ द एसे को, यानी अब अपना इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पहला पैराग्राफ एसे का, अब आपका दूसरा पैराग्राफ जब शुरू कर रहे हैं उसके पहले सेंटेंस को हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम ये बात करें कि अब को एजुकेशन हैज़ मैनी बेनिफिट्स, और फिर आप शुरू करें उसका पहला बेनिफिट, पहला बेनिफिट जो शुरू करेंगे एक पैरा उस पर देंगे, दो बेनिफिट्स, तीन बेनिफिट्स दें आप, चार दें, पांच दें, आपकी मर्ज़ी है, और फिर अगले पैराग्राफ में हो सकता है आप उसके डिसएडवांटेजेस दें, एक दो तीन चार पांच दे सकते हैं, जितने भी आप दे सकें वहां दे दें, और उसके बाद तीसरे पैरे में आप उनका कॉम्बिनेशन दे दें, और फिर कंक्लूजन में उसको कंक्लूड कर दें, डिटेल सेंटेंस दें। टॉपिक सेंटेंस है कि रीडर को बताए कि पैराग्राफ किस बारे में है, थीसिस स्टेटमेंट में बताया था आपने एसे किस बारे में है, इसमें आप बताएंगे पैराग्राफ किस बारे में है। ओके जनाब, नेक्स्ट आइए जी, कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, यानी कि आखिरी पैराग्राफ, कंक्लूजन पे आप आ गए हैं। बॉडी पैराग्राफ्स, हर तीन पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होगा। अब हम आ गए हैं जी दी एंड की तरफ, कंक्लूजन की तरफ, जो बहुत ही अहम है एसे के हवाले से। दी कंक्लूडिंग पैराग्राफ टिपिकली हैज़ टू पार्ट्स, कंक्लूजन में दो चीज़ें होती हैं, समरी स्टेटमेंट है विच रीस्टेट्स दी थीसिस इन फ्रेश वे टू रीइंफोर्स दी एसेज मेन आइडियम, कि हम दोबारा बात करते हैं जहाँ से हमने शुरू की होती है, पैक कर रहे होते हैं अपने एसे को, फोल्ड कर रहे होते हैं, और दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट में जैसे हम पहुँचते हैं फोल्डिंग करते हुए किसी चीज़ को, उसी तरह हम एसे को फोल्ड कर रहे होते हैं, यहाँ बात दोबारा करते हैं। सो वी सी, सो से शुरू कर लिया या शुरू कर लिया, कंक्लूडिंग लिया, टू सम अप द आइडिया, ये कर सकते हैं हम बात यहाँ से। बहुत सारे ऐसे कनेक्टर्स हैं जहाँ से आप उसे मेन आइडिया को बयान कर सकते हैं। और उसके बाद क्लिंचर है, क्लिंचर क्या है, फाइनल थॉट है जो आप देना चाहते हैं, लास्टिंग इम्प्रेशन जो रीडर पर लॉन्ग लास्ट रहे, कोई ऐसी बात आखिर में करें ऐसे के क्लोज़र के तौर पे करें, और दोबारा रीडर से जुड़ने की कोशिश करें कि वो आइंदा आपके ऐसे ढूंढे या आपका नाम उसको याद हो और वो कहे कि उनका ऐसे मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आपने एंड पर बहुत अच्छी बात उसे कही थी और जो उसके लिए यादगार होगी। तो इस तरह ऐसे की एंडिंग भी बहुत उम्दा होनी चाहिए। कंक्लूजन में आपने देखिए जी समरी स्टेटमेंट और क्लिंचर या क्लोज़र भी आप इसे कह सकते हैं, दोनों लफ्ज़ ठीक हैं। और फिर आप जाहिर है अपने ऐसे को जो आपने लिखा है उसको रिवाइज़ करेंगे कि उसमें क्लैरिटी कितनी है, यूनिटी कितनी है, कोहेरेंस कितनी है, प्रूफ रीड करेंगे उसे छपने से पहले, लिखने
जब हम लिख लिया आपने और उसके बाद पब्लिश करना चाहते हैं तो आप प्रूफ रीड कर सकते हैं उसको। प्रूफ रीड में आप देख सकते हैं रन ऑन सेंटेंसेस जो है फ्रेगमेंट्स तो नहीं है उसमें, क्या आपने दूर कर दिए हैं अधूरे सेंटेंसेस, यानी कि करेक्ट पैराग्राफिंग है क्या, आपका इंडेंटेशन पैराग्राफिंग यानी टैब्स छोड़ना, 5 स्पेसेस छोड़ना, एक लाइन छोड़ना और पैराग्राफ, ये सब कुछ देखना क्या ये हो चुका है या नहीं हो चुका, रेफरेंसेस हमारे क्या क्लियर हैं, कंसिस्टेंसी है, ये तमाम चीज़ें, स्पेलिंग एरर्स हैं, एक्यूरेट चॉइस है, वेराइटी है, कैपिटलाइज्ड वर्ड्स ठीक हैं यानी कि पंक्चुएशंस ठीक हैं, पास्ट्रॉफी सेमी कॉलन्स ठीक हैं, ये सब कुछ आपने प्रूफ रीडिंग आखिरी यानी पढ़ाई कर लेनी है छापने से पहले। तो दोस्तों ये हमारे कंटेंट्स थे जो कि हमने इस थोड़े से टाइम में कोशिश की है कि जल्दी जल्दी से कवर कर लें, जिसमें आपने डेफिनेशन देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली अच्छे से, के टाइप्स देख ली, पार्ट्स देख ली और हाउ टू राइट अ गुड एसे। थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।